डॉलर में आपको ब्रेकफास्ट के साथ कॉफी होटल करके इस टाइप का ब्रेकफास्ट किचन में ये सारे बनाते हैं। फ्री ऑर्डर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। पूरा डब्बा ही मेरे सामने गिफ्ट के तहत पॉप जो है 150,000 वियतनामी डॉन कूपन पॉप 145 चिकन मसाला यहाँ के बाजार का हर बार ये बॉम मार रहा है। लैंडमार्क 1 बिल्डिंग साईगांव नदी के किलोमीटर जाएगा 413,000। किसी को लेना हो बहुत ही लग्जरियस कार लग रहा है 1,000 USD में है। बाइक को कार बोला जाता है। टॉल बिल्डिंग है, ब्रिज बना हुआ है, उसका सिक्योरिटी भी चेक कर सकते हैं। अगर रोड पे कोई कूदना भी चाहेगा कूद नहीं सकेगा। उसको खरीदना है चिल्ली पाउडर उसके फ्रेंड के लिए। ओटी बोट हैंड का प्राइस कितना है? 10,000। डार्कनेस की दुकान भी यहाँ है। 3,000 पर लीटर दिखा रहा है। ताइया भी भर रहा है पेट्रोल। भाई की गाड़ी में पेट्रोल भरने का समय आ गया। रोड गली में हम खाना खाने के लिए आए हैं। हमने स्टार्टअप करके डिपेंड ऑन मी आपको मेरा प्रैक्टिस देखना आप देख सकते हैं। खाना एकदम जबरदस्त हुआ है। हर एक चीज उठा सकता हूँ इसमें से। और यहाँ तक मेरा नमस्कार दोस्तों, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज तारीख है 19। जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ हूँ उस हॉस्टल का नाम है और ये $7 में आपको ब्रेकफास्ट के साथ आपको देगा टाइगांव वो भी एक होटल करके है। ये क्वीन स्ट्रीट के बहुत नज़दीक में है। यहाँ आने पे आपको अगर बस टिकट चाहिए, सिम कार्ड चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। और उन्होंने इस टाइप का ब्रेकफास्ट मेरे को प्रोवाइड किया है। और ये रहा उनका डेस्क एरिया। और यहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं एकदम कोऑपरेटिव है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इनका छोटा सा किचन है यहाँ पे। इस किचन में ये सारे बनाते हैं। और आपको अगर ऊपर जाने में अड़चन है तो आप यहाँ भी सामान रख सकते हैं टेम्पररी पूरा दिन में, क्योंकि आना जाना रहता है, बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टेम्पररी टाइम के लिए आप यहाँ रख भी सकते हैं। और यहाँ पानी का इतना अच्छा जुगाड़ है कि पानी का बॉटल निकाल के पी सकते हैं मेरे जैसे यूट्यूबर। यहाँ फ्री वाटर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं अभी मेरा जो ब्रेकफास्ट आया है उसका लुत्फ़ उठाता हूँ। और एक दिन पहले जिस टाइप का कॉफ़ी मेरे को आया था ये आइस के साथ था। आज मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। उनको बोला था कि मेरे को हॉट कॉफ़ी चाहिए मिल्क के साथ, उन्होंने स्पेशल बना के दिया है। और आज लास्ट दिन होने वाला है मेरा हो ची मिन्ह सिटी में। एक दो जगह सिर्फ बची है जहाँ मैं एक्सप्लोर कर सकूँ। दोपहर के बजे है 5। ताई मेरे को लेने के लिए आ रहा है। मैं देखता हूँ अभी इसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं 9-10 बजे तक, क्योंकि सुबह सुबह मेरे को निकल जाना यहाँ से। और जिस लड़की को मैंने गिफ्ट दिया था आप देख सकते हैं, उसने पूरा डब्बा ही मेरे सामने ला के रखा है गिफ्ट के तहत। ये सारा मेरे को सर हो किया है। ये अभी ड्यूटी पे आ गई है तो आते आते उसको लगा इस बंदे को तो देना ही चाहिए। देखो वियतनाम में मेरे खातिर कितना प्रेम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हिप हॉप बस जो है हो ची मिन्ह सिटी का इस टाइप से है। और ये बस का कॉस्ट है 1,50,000 वियतनामी डोंग, यानी कि 500 रुपये पड़ेगा एक घंटे का आपको। कूपन हुप ऑफ बस सिटी बस फाइनल इस टाइप से सिटी बस चलती है यहाँ। अगर आपका कोई फ्रेंड में ये हो ची मिन्ह में तो एक घंटे का मज़ा आप ले सकते हैं इसमें। लेकिन मेरे को नहीं लगता एक सिटी में एक घंटा काफ़ी है, क्योंकि एक एक जगह आप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगता है। हाउ मच इज द टिकट प्राइस? 145 फॉर वन वन आर जस्ट लुक द ब्रोशर राइट? यस ब्रोशर नहीं व्हाट दे आर एक्सप्लोर फॉर एंड हाउ मच टाइम? 45 मिनट फॉर वन राउंड। वन राउंड 45 मिनट ओनली। व्हाट दे आर एक्सप्लोर फॉर व्हिच अट्रैक्शन? साईगांव ओपेरा हाउस, न्यू गाउन वॉकिंग स्ट्रीट, न्यू गाउन राउंड। Yeah, all right. Just go around for the night tour. If you want hop on and hop off, you can go for the day tour, 9 a.m. to 4 p.m. We can 9 to 4. Yes.
You can hop on in Hong Kong. And the night tour, we just go 1 hour 45 minutes. 45 minutes? Yes, just for the night tour. हम अभी बाइक से लैंडमार्क वन जो बिल्डिंग है वो देखने के लिए आया था, लेकिन बीच में बारिश है थोड़ा सा और मेरा जो खाने का बैग मैंने लिया है इसमें मैं भूल गया था कि मेरे फ्रेंड को इंडियन करी मसाला देना है, उसकी ही राह देख रहा हूँ। एक्चुअल में वो पार्किंग में गया है अभी। और ये है साइड का नज़ारा बिल्डिंग का, बहुत बड़ी बड़ी ऊँची बिल्डिंग है, लैंडमार्क वन करके कुछ तो जगह है हो ची मिन्ह में। जब हम आए थे ओपेरा हाउस से यहाँ तक, ये रहा उसके लिए मसाला, चिकन मसाला स्पेशल फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया। आई हैव लॉट्स ऑफ इंडियन स्पाइसेस। यस। तो ये रहा यहाँ के बाजार का नज़ारा, जहाँ ताई ने मेरे को लाया था। ताई ने कुछ तो लिया है हमारे लिए, बाहर जाके हम उसको सिप करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटा सा ही बाजार है, लेकिन हर बार ये बॉम्ब मार रहा है, वेलकम टू समथिंग लाइक दैट, वेलकम, हेलो वेलकम। और जिस बिल्डिंग को मैंने कल देखा था, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ आपको कितना उसको दिखाई दे रहा है, मेरे को नहीं पता है, क्योंकि GoPro का जो लाइट कंडीशन होता है सूरज जाने के बाद, ये शायद उतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए मेरा ये व्लॉग ख़त्म होने तक आपको ऐसे ही धुंधले पिक्चर देखने पड़ेंगे शायद। आप देख सकते हैं लाइट एरिया में मैं तो आ गया। ये है लैंडमार्क वन बिल्डिंग जो है हो ची मिन्ह सिटी में, साइगाव नदी के बाजू में। और विन ग्रुप का जो आप देख रहे हैं अभी, जो इलेक्ट्रिक कार है उनका, ये आपको पड़ेगा 50,000 में और उसका किलोमीटर जाएगा 400 और इसका जाएगा आपको 13,000 और इसका जो किलोमीटर है आपको मिलेगा 300 किलोमीटर। और सर से मैंने अभी बातचीत किया है। व्हाट्स योर नेम? यस, माय नेम ट्रम। ट्रम? ट्रम। ट्रम? यस, ट्रम। ट्रम? यस। आई हैव जस्ट नो प्रोनाउंस इट। विन ग्रुप विन फास्ट कार इज वेरी गुड। थैंक यू। ओके ओके, अमेजिंग। इस मॉल में उन्होंने बेचने को रखी है, अगर किसी को लेना हो तो यहाँ से ले सकता है। ये बहुत ही लग्जरियस कार लग रहा है, 50,000 में बहुत सस्ता है। और ये भी 13,000 और इनके पास दूसरा कलेक्शन भी है, 200 किलोमीटर जाएगा और 1,000 USD में है, यानी कि ये 90,000 का पड़ेगा इलेक्ट्रिक का। और ये भी 90,000 का पड़ेगा इलेक्ट्रिक बाइक। यहाँ बाइक को कार बोला जाता है, क्यों पता नहीं, और कार को तो कार ही कहते हैं। तो हर एक देश में अलग अलग काम है उनके। तो विन ग्रुप का बहुत अच्छा यहाँ इम्प्रेशन है, वो रियल एस्टेट कंपनी है समथिंग। जिस लॉन्ग कैफे में हम आए थे वहाँ से ये नज़ारा ऐसा है बिल्डिंग का। और आजू बाजू जितने भी अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, मोस्ट लग्जरियस अपार्टमेंट इन हो ची मिन्ह सिटी। और ये बराबर नदी के साइड में है, जो मैंने कल एक बिल्डिंग से जाके फ्री में जैसा नज़ारा लिया था, इसी टाइप का नज़ारा मैं अभी ले पा रहा हूँ यहाँ से। और ये रहा हो ची मिन्ह सिटी, और कितनी टॉल बिल्डिंग है आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं जितना भी फ्री के नज़ारे आपके लिए उठा सकता था उठा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं ये बिल्डिंग, जो ब्रिज बना हुआ है उसका सिक्योरिटी भी चेक कर सकते हैं। ये पूरा अगर रोड पे कोई कूदना भी चाहेगा तो कूद नहीं सकेगा, इस टाइप से बनाया गया है। उन्होंने थिंकिंग बहुत ज़्यादा लगाई है उसके पीछे। और ये रहे आजू बाजू के नज़ारे। हम दूसरा जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इस लाइट कंडीशन में तो मेरा GoPro चल जाता है। आप ताई को भी देख सकते हैं। ताई, वेयर आर वी गो नाउ? मसाज प्लेस। यस, मसाज प्लेस। मसाज प्लेस, एक्सप्लोर द हो ची मिन्ह सिटी वेरी वेल। और यहाँ आने के बाद मैंने एक इम्पोर्टेंट फोटो निकाला था आपके लिए, मैं वो भी शेयर करूँगा इसी सेम व्लॉग में। मैं जिस जगह गया था उधर 3 लाख से लेके तो 6 लाख तक का ये सारा मामला था, बहुत ज़्यादा रेट लगा मेरे को, एक्चुअल में ज़्यादा ही रेट लगे। और इसके बाद जहाँ हम रुके थे
वहाँ उसको ख़रीदना है चिल्ली पाउडर उसके फ्रेंड के लिए, पता नहीं क्यों लाने को बोला है, लेकिन इस टाइप का चिल्ली पाउडर जो वो लेना चाहता है। ओटी बॉट हैंडकॉक जैसे कोई है, तब तक अपना नज़ारा भी पूरा हो जाएगा कि यहाँ क्या क्या मिलता है और कितने रुपए का मिलता है। हमें टमाटर अक्सर लगता है, देखेंगे टमाटर का प्राइस कितना है, 10,000, ये बहुत सस्ता है। चिकन करी बनाने के लिए ये कोरिएंडर, कोरिएंडर भी मिलता है 7,000। और यहाँ ने ताई ने मेरे को डार्कनेस भी दिखाया और डार्कनेस की जगह भी दिखाई, बहुत सारे सेकंड हैंड फोन के दुकान मैंने देखे, दिस वन, और इस टाइप की डार्कनेस की दुकान भी यहाँ है, आप देख सकते हैं। They are 100%. One. Yes, they waiting for you. Waiting for me? Yeah. Until now. Morning to now. Until waiting for you. Yeah, yeah, sugar. Here. One more. One more, yes. Good. You want to turn around? Yes. Turn and we go there. You wanted to negotiate them? Hmm? You wanted to negotiate them? How much in Vietnamese? But यहाँ हमने डार्कनेस में बहुत सारी जगह एक्सप्लोर किया है। मैं तो डर ही गया था जब अप्रोच हुआ एक गाड़ी हमें, तो मेरे हाथ में कैमरा था, ये वो थी सेम गर्ल, सेम सो मैनी आर इन डार्कनेस। और यहाँ जो पेट्रोल प्राइस है 3,000 पर लीटर दिखा रहा है, ऐसा कुछ तो 22,090 डोंग और एक लीटर प्राइस है। और ताई अभी भर रहा है पेट्रोल, ताई की गाड़ी में पेट्रोल भरने का समय आ गया। यह 70,000 का पेट्रोल भरा है उन्होंने, और आप यहाँ भी देख सकते हैं इतना सारा पेट्रोल भर। इस रोड साइड रोड गली में हम खाना खाने के लिए आए हैं, मेरे को ये प्लेस नहीं पता है, लेकिन यहाँ स्ट्रीट पे इतना ज़बरदस्त वाला भीड़ है। अभी बजा है 8:30 या 9 के बीच में का टाइम है, आप देख सकते हैं बुनथाई करके एक रेस्टोरेंट है, ताई ने मेरे को लेके आया था किन ट्रैंग करके कुछ है। ये सारा गर्दी आप देख सकते हैं, जैसा इंडिया में होता है स्ट्रीट फूड, उसी टाइप का स्ट्रीट फूड। तो इस जगह को हमने चॉइस किया है, ये हमारे लिए बुन परोस रही है। मेरे को 8 किलो का बैग लेके घूमना पड़ रहा है, और ये सारी बियर खुलवाई दिए है ताई ने, और ये मेरा लास्ट शो होने वाला है आज चुनिंग सिटी में। कल मेरा बहुत गड़बड़ है मेरे आइटनरी के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। ये मेरा खाना आने पे थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा मेरे हॉस्टल के लिए, क्योंकि मेरे को आराम भी करना है और 5 बजे उठ के निकलना है किसी दूसरी कंट्री में। और ताई ने जो खाना मंगाया, एक्चुअल में मैंने उसको मना किया था कि ये पूरा मेरे से निकल नहीं सकता, क्योंकि ये अचानक से कैसे लगने लगता है आपको क्या पता है। एक्चुअल में फिश के साथ कुछ तो ये है इनका, तो ये सारा हमने स्टार्टअप करके कैसा कैसा क्या लग रहा है देखेंगे। यस यू टेक लॉट्स ऑफ गिवन मी स्मॉल and also take one, no problem. You also give one. You get? Depend on you. Depend on me. Okay. ये सारा मसाला उसमें दिख रहा है। Okay. उसके बाद भी अगर मेरे को अच्छा लगा तो मैं बाद में खा सकता हूँ, पता नहीं मेरे को कैसा लगेगा। गिवन मी द पीस, दैट इज पीस। वाटर वाटर, आई नीड वाटर, आई नीड वाटर। ओके, मेरा प्रैक्टिस देखना होगा तो आप देख सकते हैं। यहाँ तक तो खाना पुराना, खाना एकदम ज़बरदस्त हुआ है, और देख सकते हैं मेरा प्रैक्टिस, मैं हर एक चीज़ उठा सकता हूँ इसमें से। इसमें क्या मांझा डाला है पता नहीं क्या है।
और यहाँ तक मेरा आपने जितना भी आज दिन भर का एक्सप्लोरेशन देखा ये ताई के साथ था। अभी हमारा सारा खाना पीना ख़त्म हुआ है, ख़त्म होने के बाद ताई ने सारा बिल पेड कर दिया है। सिर्फ 20,000 रुपये कम पड़े थे अपने इंडिया के 50 रुपये, तो वही मैंने उसको दे दिए। तो अभी हमारे होस्टल में जाके हम अभी आराम करेंगे। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करना।